अब हम लोग अब हम लोग के बीच आएंगे पंडित सजीव भयंकर, वो आ जाए तो उनसे आपको उनका परिचय कराता हूं। पंडित सजीव भयंकर कोई परिचय के मोहताज नहीं। आज पंडित जी का जन्मदिन है और पंडित जी दो ही बार अपने जन्मदिन में ऊना में नहीं रह करेंगे, ऊना से बाहर रहे हैं। दोनों बार नवरस के कार्यक्रम में, पहले बार पटना में और दूसरी बार दिल्ली में। तो पंडित जी आपके पत्र में मैंने एक शेर लिखा है और ये कि गायकी से संबंध रखता है। आपकी नजर फूलों की खुशबू शफक का रंग, फूलों की खुशबू शफक का रंग शीशे की खनक, फूलों की खुशबू शफक का रंग शीशे की खनक, कौन सी शय है जिनके तर्ज तरन्नुम में है। इनके बारे में जो कुछ बताया जाए बहुत कम है। वो कहते हैं ना, तमसीलो इस्तियारा और तस्वीर सब दुरुस्त, तमसीलो इस्तियारा और तस्वीर सब दुरुस्त, उसका मिसाल क्या जो अदी मूल मिसाल है। पंडित सजीव भयंकर बेस्टो फ्रॉम द रेवाती घराना इज रेटेड अमंग द टॉप हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट ऑफ द कंट्री टुडे। He was trained by Shobha Abhyankar, Pandit Bipal Khareji of the Gwalior Gharana, and then Pandit Padma Vibhushan Pandit Jashraj of Bevati Gharana. इनकी अवार्ड का लिस्ट बताऊं तो बाकी सब चीजें उन लोग नहीं कर पाएंगे, इसलिए he is amongst the most prestigious award that he received is the prestigious Kumar Gandharv National Award. 2008 पंडित जी सजीव भयंकर जी अपने जन्मदिन में अपने परिवार को छोड़कर हम लोग के बीच में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तबले पर इनके संगत कर रहे हैं पंडित विनोद तेले, कंट्री टूडे इज अ डिसाइपल ऑफ पंडित काशीनाथ कांडिकर ऑफ बनारस घराना एंड इज अ टॉप ग्रेट आर्टिस्ट ऑफ द रेडियो आकाशवाणी एंड टेलीविजन। अभी हाल ही फिलहाल में इनको यूपी स्टेट संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला है 30 साल पहले। बहुत बहुत मुबारक रावंदे इज ए नोटेड हारमोनियम प्लेयर। मैंने आपको यूट्यूब पे इनको सुन चुका हूँ। He is a disciple of Pandit Pramod Marathe ji, jo aapke bare mein aap sab jante honge, and has performed at prestigious festivals like Savai Gandhar, Bhimsen Mahotsav, Saptak Festival, Harivallabh Festival, amongst others. Sajeev Venkat ji, aur ab main request karunga Pavan ji ko to honor the artist, felicitate the artist with a shawl, and Shailja Khanna, can I also request you to felicitate Pandit Vinod Lele while Babaji felicitates Pandit Sanjeev Bhankar. May I request you to felicitate Abhinav Ravande ji.
لك. शादी के लिए मैं इन्हें प्रोग्राम छोड़ देता हूँ। जब बेटियों की शादी आएगी तब छोड़ना पड़ेगा शायद। तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। कोविड की वैक्सीनेशन के बाद जो भी जब ड्राई कफ पकड़ता है तो बहुत दिन तक नहीं जाता है। तो मेरी आवाज बहुत अच्छी है, दो दो एंटीबायोटिक खाए है, तो सोचिए कितनी अच्छी होगी। लेकिन वो जो ड्राई कफ कभी कभी आ सकता है, बट डोंट वरी, आई एम ओके, आप इग्नोर करें। बाद में कोई भी नहीं कहिए कि थोड़ा सा लग रहा था, कुछ भी नहीं लगेगा। तीसरी बार जिंदगी में फर्स्ट टाइम मैं किसी ने और पहले ऑलरेडी बजा हुआ राग फिर से गाया, मतलब किसी ने ऑलरेडी एक राग कर चुका है और मैं फिर से उसी को गा रहा हूँ। ये तो हम करते ही नहीं है, कॉन्ट्रास्ट मैचिंग करता है। दरबार से एकदम हटके कोई मैं गाता, कुछ भी गाता, शुद्ध अंधार का कुछ गाता, कोमल गंधर्व नहीं। तो अगर गाना जम गया तो भी डॉक्टर प्रधान बैठे हुए उनको थैंक बोलिए सर। और फिर से मेरे नाम कहने की वजह से अगर नहीं जमा तो भी डॉक्टर प्रधान बैठे हुए। तो जाते जाते एक जोक सुना के फिर धीर गंभीर राग आओ। एक ऐसे कोई गवैये गा रहे, जब नहीं रहा ऑडियंस से कोई बंदूक लेके खड़ा आ जाते हैं। तो चुप हो जाता है, आप वो बोलते कोई बात नहीं, आप गाइए आप गाइए। फिर से कोई व्यक्ति ढूंढ रहे बंदूक लेके घूम रहे, फिर दो मिनट के बाद गवैया चुप, आप गई, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ जिसने आपको बुलाया। तो डॉक्टर प्रधान बोले तो मैं नेचुरली दरबारी से शुरू करूंगा, प्यार से गाऊंगा, लेकिन 40-45 के रात मिनट के ऊपर मैं कोई रात गाता नहीं, मैं लोगों के लिए सुविधा के मिले या नहीं मिले, मैं 40-45 मिनट दरबारी गाऊंगा। और फिर दो कन्नड़ा के प्रकार और सुनाऊंगा कॉन्ट्रास्ट। सो आज मैं तीन राग गाऊंगा दरबारी, नगर ध्वनि कन्नड़ा, घोर मुझे नहीं गाऊंगा, तीन कन्नड़ा गाऊंगा। Thank you.
सभी गाना बजाने करने वाले जानने वालों सबको नमस्कार। Yeah.
Oh,
I'm
Yeah.
ما
Silver, 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 silver
Ah
كاري
یاد بازی عذاب ہے یا رب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا اس گانے کا مان جاتی ہے اس گانے کا پنڈت جی آپ کو بھی معلوم ہوگا کیا کہہ رہا ہوں لیکن ابھی میں اس کے بارے میں ذکر نہیں کرنا چاہتا خوشی کا موقع ہے وہ لوگ بہت خوشی پر ہی کرے وہ کہنا ادبھت گانا گایا تمثیل اور اشتہار اور تسبیح سب درست اس کا مثال کیا جو ہے دیم المثال کو میں یہی کہنا لاجواب کوئی اس کا جواب نہیں بہت بہت شکریہ آپ کا